The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों स्पिरुलिना के बारे में अब तक जो आपने वीडियोस देखे इतने सारे जो प्रॉमिसिंग वीडियोस हैं क्या उनमें बताई गई सारी बात सच है क्या स्पिरुलिना सच में 21वीं सदी का सुपर फूड है क्या एक्चुअली नासा WHO उसे सुपर फूड कह चुके हैं कि भाई आप खाओ क्या सच्चाई है इसमें दोस्तों नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी US के रिकमेंडेशंस पे जब आप जाओगे और जाके पढ़ोगे या फिर अगर आप रिसर्च एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगी ये बात जो आज हम आपको बता रहे हैं और एक्चुअली आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात को एक छोटी जो बात हो जाती है कि कोई फूड इंडस्ट्री को कभी WHO को कभी नासा को कभी ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है जिसमें पोटेंशियल होता है जिसमें फ़ायदा होने के चांस होते हैं तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ ये चीज़ आगे चल के हमें फ़ायदा देगी तो उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करके लोग 10 गुना पावर 10,000, 500 करोड़ों गुना ताकत दिखा के आप लोगों को सप्लीमेंट इंडस्ट्री में वो बेचना शुरू करते हैं और फिर नकली प्रोडक्ट साथ में बेचना शुरू कर देते हैं और अपना पैसा बना लेते जब तक ये प्रूफ होता है कि इसमें क्या था और क्या सच्चाई थी आप लोगों के और कई करोड़ों रुपए कमा के वो हो जाता ये आज की नहीं ये हर एक सप्लीमेंट की बात है सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा होता रहता है तो जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरुलिना है क्या क्या करता है और उसमें सच्चाई क्या है तो दोस्तों स्पिरुलिना एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गे है ये प्लांट है जो कि पानी में पानी की वनस्पति जिसको कहते हैं वो है ये कि एक या तो सॉल्ट वाटर में या फिर कुछ प्रकार के इस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गे फ्रेश वाटर लेक बड़े बड़े लार्ज फ्रेश वाटर लेक में भी बनते हैं पैदा होते हैं ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जी हाँ ये एक साइनो बैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं और ये एक ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट बना सकते जी हाँ ये एक बैक्टीरिया है और इसके बहुत सारे स्पीशीज़ हैं लेकिन स्पिरुलिना जो है वो स्पीशीज़ हैं आर्थोस्पीरा जो स्पीशी है वो है दो प्रकार के मेन होते हैं आर्थोस्पीरा प्लांटेसिस एंड मैक्सिमा आर्थोस्पीरा मैक्सिमा स्पिरुलिना जो होता है बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है खाने पीने के लिए फूड प्रोडक्ट के लिए और पूरी दुनिया में ये फेमस हुआ था 1970 में 1970 के बाद और इसको इतने सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं अब तक उसमें कोई भी इस तरीके का ठोस इनफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये किसी भी तरीके की बीमारी के लिए यूज़फुल है जी हाँ ये फूड प्रोडक्ट है इसकी सेफ्टी कंसर्न्स भी है क्या ये सेफ है क्या नहीं है क्या सेफ्टी कंसर्न्स है सब आपको बताएंगे देखिए इसको लेते हैं मुँह के थ्रू डाइट्री प्रोटीन इसमें के लिए विटामिन के लिए आयरन के लिए लिया जाता है तो क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है प्रोटीन है विटामिन्स हैं तो इसीलिए इसको अनीमिया खून की कमी के लिए वज़न कम है तो उसके लिए कई बार हे फीवर एलर्जीज़ के लिए कभी डायबिटीज़ स्ट्रेस फटीग एन्जाइटी डिप्रेशन वेट लॉस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए या मीनोपॉज या विमेन औरतों को होने वाली दिक्कतों के लिए भी लिया जाता है और इसी के साथ साथ इसको कई बार कुछ प्री कैंसरस कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आईलिड जिनकी ब्लिंक होती रहती है इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है उसको बूस्ट करने के लिए मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एनर्जी और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करना बीमारियां हूंड घाव भरने के लिए डाइजेशन या आपकी पाचन शक्ति के बढ़ने के लिए इन सबको इस्तेमाल किया जाता है यहां तक कि ब्लड प्रेशर कम करना हार्ट अटैक कम करना HIV एड्स या HIV रिलेटेड बीमारियां फैटी लीवर कैंसर हेपेटाइटिस और इस तरह की बीमारियों कई बीमारियों के लिए लिया जाता है यहां तक कि इसको मुँह के अंदर भी लगाया जाता है गम डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए और ब्लू ग्रीन एल्गे ये एक और तरीके से यूज़ होता है खाने पीने के कलरिंग के लिए खाने पीने के कलर में इस्तेमाल किया जाता है और
कॉमनली इसको ये उन तरीके के पानी में पाया जाता है जहाँ पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, सॉल्ट लेक को, और इसी के वजह से पानी को डार्क ग्रीन कलर मिलता है, राइट। कुछ प्रकार के इस तरह के स्पिरुलिना है जो ब्लू ग्रीन एल्गे है जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पैदा किए जाते हैं, और कुछ प्रकार के होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि स्पिरुलिना या ब्लू ग्रीन एल्गे नॉर्मली खुद से सेफ होते हैं, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जैसे कि एक स्पिरुलिना, उनमें बहुत प्रकार के कंटैमिनेंट्स पाए जाते हैं। कंटैमिनेंट का मतलब है जो बाहर से गंदगी, कचरे, बैक्टीरिया, वायरस उसमें आ जाते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, टॉक्सिन्स भी आते हैं, और ख़ासकर वायरसेस, हैवी मेटल्स। तो टॉक्सिन में एक ख़तरनाक टॉक्सिन है लिवर का टॉक्सिन, लिवर पॉइजन, जैसे कि माइक्रोसिस्टीन। कई रिसर्च में ये पाया गया है माइक्रोसिस्टीन कंटैमिनेटेड स्पिरुलिना में। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरुलिना 100% सेफ है। जी हाँ, उसमें फ़ायदे ज़रूर है। क्या फ़ायदे हैं और क्या रिसर्च कहता है, देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गे इस प्रकार के, आपने भी सुना होगा कि ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जी हाँ, इसमें 60% तक प्रोटीन है। 60% प्रोटीन होने से ये अच्छा सोर्स है, लेकिन सिर्फ एक हाई प्रोटीन सोर्स होने से ये दूसरे प्रोटीन सोर्स से बहुत बेहतर नहीं हो जाता। मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सोर्स भी बिल्कुल अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, और स्पिरुलिना इन सोर्सों से करीब 30 गुना ज़्यादा महंगा है, 30 गुना, 30 टाइम्स, और उतना ज़्यादा हैवी इसमें एडवांटेज नहीं है। एविडेंस और ज़्यादा चाहिए हमें ये प्रूफ करने के लिए कि स्पिरुलिना जो है वो बाकी सारे हाई प्रोटीन फूड या बाकी सारे एंटीऑक्सीडेंट से अच्छा है या नहीं है। बाकी ये काम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, हाई प्रोटीन है, आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन आप अगर 100 ग्राम स्पिरुलिना लेंगे तो उसमें आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है 100% से, उसमें 219% तक आयरन ज़्यादा है। मतलब अगर स्पिरुलिना ज़्यादा मात्रा में लिया तो आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। स्पिरुलिना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है, हाई आयरन है आपके अंदर, इसके अंदर प्रोटीन मिनरल कंटेंट है जो कि खाते हैं ओरली तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसके साथ में इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनता है। इन्फ्लामेशन और वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर इसके इफ़ेक्ट स्टडी किए जा रहे हैं। नो डाउट ये न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट है, अच्छा खासा इसमें न्यूट्रिएंट है, और इसीलिए इसको मैल न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी फूड सिक्योरिटी सेफ्टी पे थोड़ा से कंसर्न्स है। लेकिन नासा के तरफ से इसको एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी अश्योर होने के बाद ही इसे यूज़ किया जा रहा है। याद रखिए, इसको वहाँ पे यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम लगती है, और इसमें पानी भी एक्चुअली कम होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें प्रोटीन होता है, 60% के आसपास प्रोटीन, 24% कार्बोहाइड्रेट, 8% फैट, और केवल 5% इसमें पानी होता है, 60% प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम का कोई भी स्पिरुलिना का ड्राइड पाउडर लेते हैं तो उसमें 290 कैलोरीज और लगभग 20% से ज़्यादा आपके डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज की, आपके अंदर मान लीजिए जो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, आयरन की रिक्वायरमेंट, B12 की रिक्वायरमेंट, B12 के राइबोफ्लाविन, थायमिन, विटामिन की रिक्वायरमेंट 200% तक पूरी होता, 100 से डबल पूरी होती है। मैंगनीज की 90% रिक्वायरमेंट पूरी होती है। प्रोटीन ऑब्वियसली इसमें 60% है, और आपको ये समझना, इसमें DHA, EPA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद है, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होगा ओमेगा 3s के प्रेजेंस में, आयरन फॉलिक एसिड के प्रेजेंट में, प्रोटीन के प्रेजेंस में। लेकिन इसमें B12 नहीं है। B12 इसमें जिस प्रकार का है वो एक सूडो विटामिन B12 है जो कि आपके अंदर, हमारे अंदर एक्टिव नहीं है, राइट। इसीलिए अगर आप ये लेते हो और आप वेजिटेरियन प्योर हो तो आपको B12 का डिफिशियंसी फिर भी हो सकती है। सेफ्टी कंसर्न क्या है, खुद ब्लू ग्रीन एल्गे स्पिरुलिना में कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका नेचुरल सोर्सेज में ग्रोथ हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज में इसके अंदर कंटैमिनेशन आसानी से हो सकते हैं। कंटैमिनेशन माइक्रोसिस्टीन, हैवी मेटल, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए अगर कंटैमिनेटेड नहीं है, अश्योर्ड है, तो इसको आप सेफ
सेफली कुछ वक्त के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए ले सकते हैं एक अच्छे सिंपल डोसेज में। डोसेज की जो लिमिटेशन बताई गई है, इसको अगर आप लेना चाहते हैं सो 19 ग्राम पर डे के बेसिस पे आप इसको सेफली 2 महीने तक ले सकते हैं, और 10 ग्राम पर डे में आप इसे 6 महीने तक भी ले सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट सेफ्टी लेवल में अगर प्योर है, कंटेमिनेटेड नहीं है, तो भी इससे आपको नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल फटीक, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, डिजीनेस, ऐसी सिंपल पेट के गड़बड़ी वाले साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटेमिनेटेड है, इसमें कहीं माइक्रोसिस्टीन या हैवी मेटल्स या बैक्टीरिया वायरसेस है, तो इससे हैवी साइड इफेक्ट, हैवी लिवर डैमेज, पेट में दर्द और एकदम थर्स, रैपिड हार्टबीट, शॉक, डेथ जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और काफ़ी सारी, अगर ये टेस्ट नहीं किया गया, खासकर अगर आपको ये देखना है, अगर वो टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये सेफ है, तो सेफ रहिए, इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लूपस, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी भी कोई भी वल्गस, पिम्फिगस वर्गस, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसको दूर रहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा देगा, तो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ और ज़्यादा ज़ोरदार ख़राब हो सकती है, राइट? बिकॉज आपकी बीमारी ही इम्यून डिजीज़, इम्यूनिटी की वजह से, इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी तो बीमारी और स्ट्रांग हो सकती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अगर आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई भी इस तरीके का एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल या दूसरी तरीके की दवा है, तो बिल्कुल इसको नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो सकती है, तो ब्लीडिंग चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एक तरीके की बीमारी है, क्योंकि इस स्पिरुलिना के अंदर फिनाइल एनालिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली बीमारी में दिक्कतें बढ़ा सकता है। सेम वे कई दवाइयों के साथ ये इंटरैक्ट कर सकता है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों के साथ इसका इंटरैक्शन नहीं है। हर्ब्स के साथ, कई हर्ब्स के साथ इंटरेक्शन है, हर्ब्स, कई दवाइयाँ, कई ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे दवाइयाँ जैसे कि इम्यूनोक्स मॉड्यूलेटर, एजाथियोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनिटी वाली स्टीरॉयड, ग्लूकोस्टीरॉयड, इन तरीके की दवाइयों के साथ, एंटीप्लेटलेट, एंटीकोएगुलेंट्स, इनके साथ ये रिएक्ट करता है, राइट? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, खून पतला करता है, तो आपका इम्यून सप्रेसेंट में गड़बड़ कर देगा, खून पतला कर देगा। उसके अलावा पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन आपका वो बढ़ा सकता है, दिक्कतें बढ़ा सकता है, राइट? इस तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा कई हर्ब्स के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपके जिंको है, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, रेड क्लोवर, जिनसिंग, इन सब के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फूड के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसीलिए याद रखिए, डोसेज के लिए अपने डॉक्टर से बात करें, और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सेफ डोसेज मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपकी करंट दवाई को सोच के इसकी हमेशा याद रखें। ऑल्दो इसको आपने इस फूड सप्लीमेंट्स के हिसाब से, ड्रग एंड सप्लीमेंट्स में, फूड एंड सप्लीमेंट्स में कैटेगराइज किया गया, इसलिए इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्योर है या कंटेमिनेटेड है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, याद रखिए, इसको कई बार ऐसे दावे हुए कि ये शुगर के लिए इस्तेमाल करें, इसको शुगर ठीक करेंगे। एक शुगर का ऐसा दावा पहले आया था, तो 2013 में यूरोपियन फूड सोसाइटी सेफ्टी अथॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था क्लेम को, और US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस इसकी इनसफिशिएंट है टू रेकमेंड कि ये स्पिरुलिना किसी भी कंडीशन के लिए, आप ह्यूमन कंडीशंस के लिए सप्लीमेंट किया जाए, और रिसर्च की आवश्यकता है। तो अननेसेसरी किसी भी वीडियो को देखा दाखी आप लोगों को सप्लीमेंट इंडस्ट्री में वो बेचना शुरू करते हैं, और फिर नकली प्रोडक्ट साथ में बेचना शुरू कर देते हैं और अपना पैसा बना ले। जब तक ये प्रूफ होता है कि इसमें क्या था और क्या सच्चाई थी आप लोगों के, और कई करोड़ों रुपये कमा के वो हो जाता है। ये आज की नहीं, ये हर एक सप्लीमेंट की बात है, तो सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा होता रहता है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरुलिना है क्या, क्या करता है, और उसमें सच्चाई क्या है।